नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है नाजरीन, आजकल इमरान खान जब से उसे पाकिस्तान रेंजर्स ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया और फिर सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसे रिहा भी कर दिया जमानत पर, उसके बाद से खुलम खुला वो पाकिस्तान आर्मी को चैलेंज कर रहा है, उसके खिलाफ बोल रहा है। अभी उसने एक खिताब किया, एक तो क्या है दिन में दो दो तीन तीन मरतबा आवाम से खिताब करता है। ये जो इंटरनेट की फैसिलिटी है पूरी दुनिया में, तो सब लोगों के अपने अपने चैनल है और अभी किसी को कोई ज़रूरत नहीं कि पाकिस्तान टीवी हो या दूरदर्शन हो या कोई दूसरा चैनल हो जिसकी मदद लेनी पड़े। खैर, मैं कर रहा था कि जनाब इमरान खान ने एक खिताब किया और उसमें उसने पाकिस्तान आर्मी को 1971 में जो हिंदुस्तान के हाथों पाकिस्तान को शिकस्त फाश हुई थी उसका जिम्मेदार करार दिया। मैं आज फिर से याद कराना चाहता हूं इस पाकिस्तान का, मेरी जिंदगी में हुआ इस पाकिस्तान। मार्च 1971 के अंदर मैं वहां मैच खेलने गया था इस पाकिस्तान की अंडर 19 के खिलाफ। हमारा जो जहाज वापस आया था वो आखिरी जहाज था। मुझे अभी भी याद है कि कितनी नफरत हो गई थी पाकिस्तान के खिलाफ। हमें तो यह पता ही नहीं था, इसी तरह जिस तरह आज मीडिया कंट्रोल कर रहे हैं तब ये मीडिया कंट्रोल कर रहे थे। फर्क यह है कि आज सोशल मीडिया है और इन्होंने सोशल मीडिया ही बंद कर दिया इस दौरान, क्योंकि ये अपना वर्जन देना चाहते थे कि शर पसंद और बताना चाहते थे, इन्होंने सोशल मीडिया बंद। और वो कहता है कि उस वक्त की जो सबसे बड़ी पार्टी थी यानी आवामी लीग शेख मुजीबुर रहमान की, अगर उसको हुकूमत दे दी जाती, यानी ये जनरल यहिया खान जाहिर है उस वक्त वही रिप्रेजेंट कर रहा था पाकिस्तान आर्मी को, अगर जनरल यहिया खान उस वक्त जो है उसको हुकूमत ट्रांसफ़र कर देता तो पाकिस्तान दो हिस्सों में न बंटता। और वो कहता है कि मैं खुद उधर गया था ईस्ट पाकिस्तान, उस वक्त मैं अंडर 19 क्रिकेट खेलता था। खैर, उसके बाद जब उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाता है पाकिस्तान आर्मी के ऊपर कि पाकिस्तान आर्मी ने एक तो जो हकदार थे उसको हक नहीं दिया, और उसके बाद भाई वो सीधा सीधा ये कहता है कि बुजदिल हैं, वो हिंदुस्तान से लड़ नहीं सके इसलिए हार गए। अब यहाँ पर हम इमरान खान से एक सवाल करते हैं, भाई साहब एक तो आपको बोलने का हक नहीं है क्योंकि आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी नहीं है, आपको पिछले साल 9 अप्रैल को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बाकायदा आईनी तरीके से हटाया गया था, और दूसरी बात आप इलेक्शन में कभी भी लार्जेस्ट पार्टी बनकर नहीं आए। पिछली मरतबा 2018 में भी उस वक्त की फौज ने, एस्टेब्लिशमेंट ने आपको प्रॉप अप किया था, अलीम खान और जहांगीर तरीन ने जहाज भर भर के एमक्यूएम के और दूसरे मेंबर लाए थे नेशनल असेंबली के, इस तरह आपकी हुकूमत बनी थी। आप लार्जेस्ट, आप जो है आपको सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं थी उस वक्त। सो ये कहना कि अपने आप का अपना मुआजना करना जनाब शेख मुजीबुर रहमान से ये गलत है। अब आते हैं कि जब आप पाकिस्तान आर्मी ने जो कुछ 1971 में किया, जब आप उसकी मजम्मत करते हैं तो भाई साहब ये आपको अब क्यों याद आ रहा है? ये आप 4.25 साल हुकूमत में थे तब तो आपको कभी नहीं याद आया। 1996 में आपने पार्टी कायम की है, 2018 में आप पावर में आए हैं, 1996 से लेकर आज तक 2023 तक तकरीबन 27 साल हो गए। 27 साल के आपके दौर में भले आप हुकूमत में रहे हों या हुकूमत में न रहे हों, कभी आपने इसके बारे में नहीं बोला कि इसमें पाकिस्तान आर्मी का या पाकिस्तान का
कसूर था। आप कहते हैं हुमुदुर्रहमान कमीशन बिठाई गई थी और उसकी रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया गया, तो भाई साहब उसमें भी अगर भुट्टो ने उस वक़्त नहीं किया तो आपने, आपकी किसी और पार्टी ने अब तक क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं आप साफ साफ बोलते कि आप पंजाबी हैं, आपको पंजाबियों के जो हकूक है वो ज़्यादा अजीज हैं, और पंजाबियों ने अगर बंगालियों पे जुल्म किया तो आपको उस वक़्त उसको उसका बुरा नहीं लगा था। आज आपको बुरा लग रहा है जब आपको यही आर्मी जो है सिंगल आउट कर रही है और आपको जेल के सलाखों के पीछे डाल रही है। इससे पहले तो आपको कभी ये याद नहीं आया कि बंगाली बेगुनाह थे और बंगालियों के ऊपर जुल्म किया गया। और इस वक्त की भी अगर बात की जाए तो मेरे भाई, बंगालियों के ऊपर जो 9 महीने तक जुल्म हुआ 1971 में, 24 मार्च 71 से लेके 16 दिसंबर 71 तक, जब पाकिस्तान की फौजों ने हथियार डाले हिंदुस्तान की ईस्टर्न कमांड के आगे, जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के आगे, इन 9 महीनों में उन्होंने 30 लाख से ज़्यादा बंगाली शहीद किए, उन्होंने 2 लाख से ज़्यादा मासूम लड़कियों की इस्मत दरी की, वो भी मुसलमान लड़कियां थी, तुम्हारी बहनें थीं, उस वक़्त तुमको क्यों नहीं याद आया? और ये 27 साल में क्यों नहीं तुमको याद आया कि उनके ऊपर जुल्म हुआ था? और फिर जब तुम 4.25 साल हुकूमत में थे, अच्छा अब भी बांग्लादेश वाले कहते हैं कि कम से कम खुदारा आप अपने इजारे शर्मिंदगी तो करें, माफ़ी तो मांगें कि आपने 1971 में जुल्म किया था, लेकिन आप हैं कि आप अभी तक उसको जस्टिफाई करते रहे, लेकिन जब अपने घर में आग लगी है फिर तुमको याद आता है कि बंगालियों के ऊपर जुल्म हुआ था। मेरे भाई, अब भी अगर तुम पंजाबी नहीं होते, तुम बंगाली होते, तुम बलोच होते, तुम सिंधी होते, तुम्हारे साथ वही सुलूक किया जाता, तुम्हारे लोगों को इसी तरह कत्ल किया जाता आर्मी की तरफ से। ये तो तुम पंजाबी हो इसीलिए बच गए हो, क्योंकि फौज में सब पंजाबी हैं और वो बहुत सारे तुम्हारी साइड लेने को तैयार हैं, इसीलिए फौज भी तुम्हारे ऊपर हाथ डालने से, या तुम्हारे आदमियों के, तुम्हारे हवारियों के, वही लोग जो फौज की इंस्टॉलेशन जलाते हैं, जो जनरल हेडक्वार्टर पे हमला करते हैं, लाहौर में जिना हाउस पे हमला करते हैं, उनके ऊपर भी फौज हाथ डालने में कतरा रही है, क्योंकि तुम लोग पंजाबी हो। ये है तुम लोगों के डबल स्टैंडर्ड्स। सो झूठ मत बोलो, अगर तुम में इतनी शर्म है, इतनी हया है, तो आज भी माफ़ी मांगो, बोलो हुकूमत की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे कि हमने आपके ऊपर, बंगालियों के ऊपर जुल्म किया था। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।